Hello students, welcome to One Day Law Revision Module 7 Trials and Execution Proceedings. Let's quickly go through the synopsis first. In this we are going to cover introduction, means what is trial, kinds of trial, trial before the Court of Session, in which we will cover from section number 225 to 237, trial of warrant cases by magistrate 238 to 250. ट्रायल ऑफ सामन केसेस बाय मैजिस्ट्रेट 251 टू 59, पहले वारंट फिर सामन. समरी ट्रायल्स 260 टू 265, दैट इज़ टू सेव द टाइम. प्रोविजन एज टू बेल 436 टू 450. सबमिशन ऑफ डेथ सेंटेंस फॉर कन्फर्मेशन 366 टू 371. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ट्रायल. व्हाट इज ट्रायल? ट्रायल इज़ द जुडिशियल एडजुडिकेशन ऑफ अ पर्सन्स गिल्ट और इनोसेंस. कि जुडिशियल प्रोसीडिंग है, जुडिशियल एडजुडिकेशन है किसी भी पर्सन का कि वो गिल्टी है या इनोसेंट है, ये प्रूव करने के लिए उसका जो प्रोसेस है, जो एडजुडिकेशन है, उसको हम ट्रायल बोलते हैं. CRPC में क्रिमिनल ट्रायल को चार तरीके से डिवाइड किया गया है, दैट इज़ सेशन, वारंट, समन एंड समरी ट्रायल्स, जो हमने सिनॉप्सिस में देखा कि ये चारों पार्ट हम कवर करने वाले. अब क्रिमिनल केसेस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक विच इज़ एक जो सीवियर है, द वन विच इज़ पनिशेबल विथ डेथ या तो पनिशेबल विथ लाइफ इम्प्रिजनमेंट या इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन 3 years, मतलब जो सीवियर है, एंड एक जो कम सीवियर है दैट इज़ अदर ऑफेंसेस. ऐसे दो कैटेगरी में क्रिमिनल केसेस को डिवाइड किया गया है और ट्रायल्स को चार कैटेगरी में डिवाइड किया है. एक वारंट केसेस बाय कोर्ट ऑफ सेशन, सेशन ट्रायल्स, फिर वारंट केसेस बाय मैजिस्ट्रेट, वारंट ट्रायल्स, देन ट्रायल ऑफ समन केसेस बाय मैजिस्ट्रेट, समन ट्रायल्स, एंड देन समरी ट्रायल्स. सो वी हैव इन ऑल 4 kinds of trials. We will see one after the another. Number 1, warrant cases by court of session. So trial before the court of session, section number 225 to 237. Trial has not been defined in the code, but हमने इसको क्या बोला, एक judicial proceeding, judicial adjudication, जहाँ पे हम check करते हैं, जहाँ पे हम prove करते हैं कि जो accused है वो guilty है या innocent है, तो acquittal मतलब clear, clean या conviction, उसको punish करना है और he is liable to punishment. Offense punishable with death, imprisonment of term more than 2 years is known as warrant case. अब warrant case कौन से होते हैं, जहाँ severe offense है, तो यहाँ पे normally offense punishable with death रहता है या तो imprisonment of more than 2 years, imprisonment of more than 2 years, तो that is warrant. Warrant cases may be tried by court of session or by magistrate. मतलब पॉइंट नंबर 1 and 3, ट्रायल चार तरीके के होते हैं और जो वारंट है वो कोर्ट ऑफ सेशन भी कर सकता है और मैजिस्ट्रेट भी कर सकता है, 1 and 2. मोर सेशन केसेस आर टू बी कंडक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ सेशन, बट कोर्ट ऑफ सेशन सिर्फ सेशन समन केसेस देखेगा, बट वारंट केसेस दोनों भी देखते हैं, कोर्ट ऑफ सेशन भी और मैजिस्ट्रेट भी. ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सेशन कोर्ट. Court of Session cannot take cognizance of any offense directly, even if such offense is exclusively triable by such court. Court of Session के पास directly कोई case नहीं आता है, directly वो cognizance नहीं ले सकता. Even if the case is exclusively to be tried by the Court of Session, directly उसका cognizance Court of Session नहीं लेता. Section number 225 to 226 talks about stages in session cases. 226 बात करता है opening, कि केस का ओपनिंग कैसे होता है, बाय या तो फॉर प्रोसिक्यूशन. जब भी कोई अक्यूज्ड है जिसके अगेंस्ट कोई केस फाइल हुआ है, उसको या तो कोर्ट के सामने लाया जाएगा या वो खुद से आएगा. प्रोसिक्यूटर ऑन बिहाफ ऑफ अक्यूज्ड विल शैल ओपन हिज केस बाय डिस्क्राइबिंग द एक्यूजेशन अगेंस्ट द अक्यूज्ड, कि किस चीज़ पे उसकी कंप्लेन की गई है, क्या चार्ज लगे है. कंप्लेन एक्सप्लेन करेगा, डिस्क्राइब करेगा और एविडेंस, सपोर्टिंग एविडेंस देगा. सपोर्टिंग एविडेंस, बाय व्हाट एविडेंस ही प्रपोज टू प्रूव अ गिल्ट ऑफ अक्यूज्ड. तो प्रोसिक्यूटर क्या करेगा, सपोर्टिंग एविडेंस देगा जिससे वो उसका गिल्ट प्रूव कर सकता है. डिस्चार्ज ऑफ अक्यूज. ऑन कंसिडरिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ द केस एंड आफ्टर हियरिंग द सबमिशन ऑफ पार्टीज, अगर कोर्ट को लगता है कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है जिसके बेसिस पे प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू करना है अगेंस्ट द अक्यूज्ड, तो कोर्ट क्या करेगा, रीजंस लिखेगा, विल रिकॉर्ड द रीजंस इन राइटिंग एंड वो उस अक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर देगा, दैट इज डिस्चार्ज ऑफ अक्यूज्ड। अगर कोर्ट को लगता है कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है जिसपे केस को कंटिन्यू करना है तो कोर्ट विल डिस्चार्ज। इसका एक फेमस केस लॉ है ए आर एंटोले वर्सेस ए आर नायक 1986। अगर कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है जहाँ पे अक्यूज्ड के अगेंस्ट प्रोसीडिंग किया जाए तो फिर उस केस में डिस्चार्ज कर देते हैं अक्यूज्ड को और रीज़न रिकॉर्डिंग में मेंटेन करना पड़ता है। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज सेक्शन 228, दिस प्रोविजन वी हैड ऑल्सो कवर्ड इन मॉड्यूल चार्ज। आफ्टर कंसिडरिंग द रिकॉर्ड ऑफ द केस एंड आफ्टर हियरिंग द पार्टीज, कोर्ट क्या करता है, रिकॉर्ड केस के रिकॉर्ड्स को चेक करता है और पार्टी की हियरिंग सुनने के बाद अगर कोर्ट को लगता है कि अक्यूज ने कोई ऑफेंस कमिट किया है तो फिर इन दैट केस वो क्या करता है, चार्ज फ्रेम करता है। अगर कोई ऐसा ऑफेंस है विच इज़ नॉट ट्राइबल बाय सेशन कोर्ट तो फिर चार्ज कौन फ्रेम करता है, द कोर्ट में फ्रेम द चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज्ड एंड ट्रांसफ़र द केस टू चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। बट अगर कोई ऐसा केस है जिसको हम सेशन कोर्ट में ट्रायल कर सकते हैं, जिसका ट्रायल हो सकता है सेशन कोर्ट में, तो फिर उस केस में द कोर्ट शैल फ्रेम चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज इन राइटिंग। अगर सेशन कोर्ट कर सकता है तो कोर्ट चार्ज फ्रेम करेगा, अगर सेशन कोर्ट नहीं करता है तो केस हम चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को ट्रांसफ़र कर देते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ चार्ज टू अक्यूज्ड एंड इंक्वायरिंग अबाउट प्ली। जब भी कोई चार्ज फ्रेम होती है अगेंस्ट द अक्यूज्ड तो वो हम अक्यूज्ड को एक्सप्लेन करेंगे, उसके सामने रीड आउट करेंगे एंड ही शैल देन बी आस्क्ड। अक्यूज्ड के सामने चार्ज रीड करने के बाद, उसको एक्सप्लेन करने के बाद उसको पूछेंगे कि वेदर ही प्लीड्स गिल्टी और नॉट ऑफ द ऑफेंस, मतलब वो मान्य करता है या नहीं कि ये अपराध उसने किया है या नहीं। कॉन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी सेक्शन 229, अगर अक्यूज मान लेता है, इफ़ द अक्यूज प्लीड गिल्टी, अगर अक्यूज ने मान लिया तो कोर्ट रिकॉर्ड करेगा एंड मे इन इट्स डिस्क्रिशन कॉन्विक्ट हिम देयर ऑन। डेट फॉर प्रोसिक्यूशन एविडेंस 230, इफ़ अक्यूज रेफ्यूज टू प्लीड, अब यहाँ अक्यूज ने रेफ्यूज़ कर दिया, वो नहीं मानता है, और क्लेम्स टू बी ट्राइड और इज़ नॉट कॉन्विक्टेड, या वो क्लेम कर रहा है कि उसने ये अपराध नहीं किया है, तो कोर्ट फिर एक डेट फिक्स करेगा फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, कि अब एविडेंस को लाया जाएगा सामने, तो कोर्ट उसके लिए एक डेट फिक्स कर देगा। एविडेंस फॉर द प्रोसिक्यूशन सेक्शन 231, जैसे ही 230 में डेट फिक्स होती है तो फिर उस डेट पे कोर्ट सारे एविडेंस को कंसीडर करेगा। द कोर्ट शैल प्रोसीड टू टेक ऑल सच एविडेंस एज टू एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस एज अ पर्सन, तो कोर्ट क्या करेगा, विटनेस को क्रॉस एग्जामाइन कर सकता है या किसी भी विटनेस को वापस से बुला सकता है और रिकॉल एनी विटनेस फॉर फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन। अब रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस मतलब डॉक्यूमेंट्स, इंसानों का भी, इंसान भी एविडेंस हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी। एज द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बिगिन्स और प्रोसीड्स, हिज एविडेंस शैल बी टेकन डाउन इन राइटिंग। यहाँ पे कौन सी बात चल रही है कि विटनेस का जो भी एग्जामिनेशन है या जो भी एविडेंस है उसको राइटिंग में नोट डाउन करना है। एज एविडेंस ऑफ ईच विटनेस इज कंप्लीटेड इट शैल बी रीड ओवर टू हिम इन प्रेजेंस ऑफ अक्यूज्ड। एक बार एविडेंस में से जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई है उसको हम अक्यूज्ड के सामने रीड आउट करेंगे एंड इफ नेसेसरी इट शैल बी करेक्टेड। आर्ग्यूमेंट ऑन बिहाफ ऑफ प्रोसिक्यूशन, On recording of evidence of prosecution, a party to proceeding may address consensus, oral arguments, and may submit memorandum to the court. Examination of accused, for the purpose of enabling the accused person to explain any circumstances appearing in the evidence against him, कि जहाँ पे evidence against him मतलब against accused है and अगर उस पर कोई explanation चाहिए तो उस केस में कोर्ट क्या करेगा, accused को question कर सकता है, कोर्ट examine करेगा, accused को बुलाएगा and उसको check करेगा, तो कोर्ट question भी कर सकता है। कोर्ट shall examine and called him for his defense। Acquittal of accused after hearing the parties section 232, आफ्टर टेकिंग द एविडेंस फॉर द प्रोसिक्यूशन एंड एग्जामाइन द अक्यूज्ड, अक्यूज्ड को अब कोर्ट ने एग्जामाइन किया, चेक किया, कोर्ट क्या करेगा, पार्टीज़ को सुनेगा एंड देन वो कंसीडर करेगा कि अगर कोई एविडेंस नहीं है जिससे प्रूव होता है कि अक्यूज ने कोई क्राइम कमिट किया है तो फिर इन दैट केस कोर्ट उसको एक्विटेंस ग्रांट कर देगा। एक्विटेंस मतलब क्लीन क्लियर, फिर मतलब वो उसके घर जा सकता है। एक्विटेंस इज़ फ्री फ्रॉम चार्ज, मतलब अभी जो हमारा अक्यूज्ड है उस पर कोई भी चार्ज नहीं लगेंगे अगर कोई एविडेंस प्रूव नहीं कर पाया तो। एविडेंस फॉर द डिफेंस, अगर 232 के अंदर उसको एक्विट नहीं किया गया तो देन ही विल बी कॉल्ड अपॉन टू एंटर ऑन हिज डिफेंस, फिर उसको खुद के डिफेंस में एविडेंस ऐड करने पड़ेंगे। किसको? अक्यूज्ड को, उसको प्रूव करना पड़ेगा कि ही इज़ नॉट गिल्टी। आर्ग्यूमेंट्स सेक्शन 234, आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ डिफेंस विटनेस, अब अक्यूज ने जो डिफेंस विटनेस दी उसको एग्जामिन करने के बाद एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द डिफेंस एविडेंस, प्रोसिक्यूटर क्या करेगा? सम अप करेगा, विल सम अप हिज केस एंड अक्यूज शैल बी एंटाइटल्ड टू रिप्लाई। फिर प्रोसिक्यूटर केस सम अप करेगा एंड उसके बेसिस पे जो भी वो डिसाइड करता है उस पर अक्यूज रिप्लाई कर सकता है। जजमेंट सेक्शन 235, सारे आर्ग्यूमेंट्स सुनने के बाद जज जजमेंट डिलीवर करेगा कि या तो अक्यूज्ड को एक्विट करना है या तो कॉन्विक्ट करना है। एक्विट मतलब फ्री फ्रॉम चार्ज, कॉन्विक्ट मतलब पनिश करना है। इफ़ द अक्यूज्ड इज कॉन्विक्टेड द कोर्ट शैल हियर हिम ऑन द क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस एंड देन पास सेंटेंस ऑन हिम अकॉर्डिंग टू लॉ, फिर कोर्ट लॉ को कंसिडर करके अकॉर्डिंगली अक्यूज्ड को पनिश करेगा। प्रोसीजर इन केस ऑफ प्रीवियस कॉन्विक्शन सेक्शन 236, in case where a previous conviction is charged under section 211, the court may take evidence in respect of the alleged previous conviction and shall record a finding thereon. It is done for enhanced punishment. अगर पहले भी conviction हुआ है तो court वो records check करेगा and it is done for enhanced punishment कि पहले भी same act हुआ है। ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मैजिस्ट्रेट, पहले हमने देखा ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय कोर्ट ऑफ सेशन, अब हम दूसरा देख रहे ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मैजिस्ट्रेट, दैट इज सेक्शन नंबर 238 टू 250। सेक्शन 2 क्लॉज Z ऑफ CRPC डिफाइंस वारंट। वारंट केसेस क्या है? वारंट केसेस मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, मतलब सीरियस केसेस होते हैं, सीरियस ऑफेंस वाले जहाँ पे पनिशमेंट है डेथ या तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 years। ये सीरियस वारंट्स है। मोर सीरियस वारंट केसेस आर ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन वाइल रिमेनिंग वारंट केसेस आर ट्राइबल बाय मैजिस्ट्रेट। मतलब वारंट केसेस को हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते, एक तो केस ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, दूसरा केस ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट। केस ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, warrant cases which are more serious in nature are always triable by court of session and which are less serious are tried by the magistrate। तो फिर इस केस में magistrate केस को देखेगा। kind of warrant cases tried by magistrate, अब warrant cases magistrate के पास कौन से आते हैं? तो 3 बोला, इसको 3 ग्रुप में डिवाइड किया है। सेक्शन 238 टू 243, जो पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे जो warrant cases आते हैं which are instituted on police report that is tried by magistrate, then instituted otherwise than on police report 244 to 247 and conclusion of trial 248 to 250. stages of trial of warrant cases by magistrate 238 to 243, पहले instituted on police report, अब ये वो केसेस है जो पुलिस रिपोर्ट से आए हैं। तो सेक्शन नंबर 238 supply of document, 238 provides that at the commencement of trial, मतलब जहाँ trial start होता है magistrate satisfy करेगा कि जो document के copies है referred to in section 207 have been supplied to the accused, कि accused तक copies पहुँच चुके हैं। It imposed a duty on the magistrate to furnish all necessary documents to the accused, यहाँ duty बताई गई है magistrate की, वो सारे documents accused तक पहुँचाएगा। Case law कांति बंद्रा versus State of West Bengal, all necessary documents are or must be furnished to the accused at the commencement of offense। जब भी कोई at the commencement of trial, जब भी कोई trial start होता है तो सारे documents हमको accused तक पहुँचाने पड़ते हैं। कौन पहुँचाता है? Magistrate। Discharge 239, after upon considering the documents sent and on police report, मतलब जो documents accused तक पहुँचे हैं वो और police report, and after examining the accused, और उसके बाद accused को examine करने के बाद, and after hearing both prosecution and accused, मतलब पहले document send किया हमने as per 238, कौन से document send किए? जो police report से आए थे, फिर police report से complaint आई थी warrant की, फिर उसके बाद हमने अक्यूज्ड को एग्जामाइन किया, दोनों पार्टीज़ को सुना, प्रोसिक्यूशन एज वेल एज अक्यूज्ड। मैजिस्ट्रेट ने कंसीडर किया कि द चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज्ड टू बी ग्राउंडलेस, अक्यूज्ड के अगेंस्ट में जो चार्ज है वो ग्राउंडलेस है, कोई मतलब ही नहीं है उसका, तो वो अक्यूज्ड को डिस्चार्ज करेगा बाय रिकॉर्डिंग रीजन्स फॉर इट, मतलब रीजन्स रिकॉर्ड करके अक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अब अगर ऐसा नहीं हुआ ग्राउंडलेस नहीं है, मतलब उसके अगेंस्ट चार्ज लगने वाला है, दैट इज फ्रेमिंग ऑफ चार्ज अंडर सेक्शन 240। पुलिस रिपोर्ट कंसीडर करने के बाद, अक्यूज को एग्जामाइन करने के बाद, पार्टीज़ को एग्जामाइन करने के बाद अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है, मैजिस्ट्रेट का ओपिनियन है कि अक्यूज ने कोई ऑफेंस कमिट किया है विच इज़ कॉम्पिटेंट टू ट्राई, देन द मैजिस्ट्रेट शैल फ्रेम अ चार्ज। फिर मैजिस्ट्रेट उसके अगेंस्ट एक चार्ज फ्रेम करेगा। जो भी चार्ज है वो अक्यूज को समझाया जाएगा, उसके सामने रीड आउट करेंगे और फिर उसको पूछा जाएगा कि वेदर ही प्लीड्स गिल्टी और नॉट, वो मान्य करता है या नहीं। Conviction of plea of guilty section 241. If accused pleads guilty for charge, अगर accused मान लेता है, the magistrate shall record the plea, magistrate record करेगा, and may in its discretion convict him thereon. Prosecution evidence. अगर accused ने guilty plea नहीं किया या claims to be tried is not convicted on plea of guilty, तो फिर magistrate एक date fix करेगा for examination of witness. On such date the magistrate shall take evidence produced in support of prosecution. फिर उस दिन magistrate सारे evidence को consider करेगा which are in support of the prosecution. Defense evidence. अब prosecution के evidence आ गए तो फिर accused को हम बोलेंगे कि defense evidence तुमको provide करने हैं to the magistrate. If he files written statement, it will be taken as record. If he apply for attendance of witness or production of document, magistrate will issue process. तो prosecution के evidence के बाद accused को chance मिलता है defense evidence का. On the basis of defense evidence, अगर magistrate को लगता है कि accused ने कुछ गलत नहीं किया है तो वो record करेगा क्या? An order of acquittal, मतलब उसको छोड़ दिया जाएगा. He will be फ्री फ्रॉम चार्ज, एंड अगर वो गिल्टी पाया गया तो फिर उसको अप्रोप्रिएट पनिशमेंट मिलेगी। एब्सेंस ऑफ कंप्लेंट सेक्शन 249. अगर प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई अपॉन अ प्राइवेट कंप्लेंट, किसी ने प्राइवेट कंप्लेंट की थी एंड उसके बेसिस पे प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई है एंड द डेट हैज़ बिन डिसाइडेड, और उस दिन जिसने कंप्लेंट की, जो कंप्लेनेंट है वो खुद ही नहीं आया बिफोर द मैजिस्ट्रेट, तो फिर मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? चार्ज करने के पहले उस अक्यूज को डिस्चार्ज कर देगा। वाई? क्योंकि कंप्लेनेंट ऑन द डेट ऑफ प्रोसीडिंग नहीं आया। डेथ ऑफ कंप्लेनेंट. क्रिमिनल प्रोसीडिंग नॉट नेसेसरीली अबेट ऑन द डेट ऑफ कंप्लेन, ऑन द डेथ ऑफ कंप्लेनेंट. अगर कंप्लेनेंट की बीच में अगर डेथ हो जाती है तो उसके बेसिस पे क्रिमिनल केस एंड नहीं होता, अबेट नहीं होता, मतलब उसका एंड नहीं किया जा सकता. यू कैन नॉट से कि अभी हम केस को डिस्चार्ज कर देंगे बिकॉज कंप्लेनेंट हैज़ डाइड, वो कंटिन्यू होता रहेगा. Compensation for acquisition without reasonable cause. Section 250. If magistrate who hears the case discharge or acquits the accused and if of the opinion that there were no reasonable ground for making acquisition against him, magistrate may award the compensation to him to be paid by the complainant. अगर पूरा केस सुनने के बाद magistrate ने जो भी decision दिया हो, discharge किया हो, acquit किया हो, और बाद में उसको लगता है कि कोई रीज़नेबल ग्राउंड ही नहीं थे कि उसके अगेंस्ट कोई केस फाइल किया जाए, तो इन दैट केस मैजिस्ट्रेट उसको एक अवार्ड देगा, एक कंपनसेशन पे किया जाएगा टू द अक्यूज्ड, बिकॉज कोई रीज़नेबल ग्राउंड ही नहीं था उसके अगेंस्ट कंप्लेन करने का. और ये जो कंपनसेशन है वो कौन पे करेगा? कंप्लेनेंट, जिसने उसके अगेंस्ट कंप्लेन फाइल की थी. वारंट केसेस जहाँ पर पुलिस रिपोर्ट के थ्रू केस नहीं आया, मीन्स इंस्टीट्यूटेड ऑन अदरवाइज देन पुलिस रिपोर्ट सेक्शन 244 टू 247. प्रिलिमिनरी हियरिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन केस 244. जब अक्यूज्ड को कोर्ट के सामने लाया गया और जहां उसका ट्रायल स्टार्ट हो रहा था तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? पहले प्रोसिक्यूशन को सुनेगा, उसके एविडेंस को रिकॉर्ड करेगा एंड देन मैजिस्ट्रेट में ऑन एप्लीकेशन बाय द प्रोसिक्यूशन इशू समन्स टू विटनेस. 245 डिस्चार्ज. अगर एविडेंस कंसीडर करने के बाद मैजिस्ट्रेट को लगता है कि अक्यूज के अगेंस्ट कोई केस बनता ही नहीं है, नो केस अगेंस्ट द अक्यूज हैज़ बीन मेड आउट, तो वो डिस्चार्ज कर देगा अक्यूज को बाय रिकॉर्डिंग रीजंस इन राइटिंग. फ्रेमिंग ऑफ चार्ज. अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसिक्यूशन एविडेंस कि अक्यूज ने कोई ऑफेंस किया है, मैजिस्ट्रेट इज कॉम्पिटेंट टू ट्राई द केस, फिर मैजिस्ट्रेट ट्रायल करेगा एंड अक्यूज कुड एडिक्वेटली पनिश्ड and magistrate could adequately punish the accused, then magistrate shall frame the charge. और अगर magistrate को सही लगता है कि वो punish कर सकता है तो then he will frame the charge. सच चार्ज शैल बी रीड आउट ओवर एंड एक्सप्लेन टू द अक्यूज्ड, फिर वो चार्ज को अक्यूज्ड के सामने रीड करके उसको एक्सप्लेन किया जाएगा और फिर से हम उसको पूछेंगे कि वेदर ही प्लीड्स गिल्टी और क्लेम्स टू बी ट्राइड. कॉन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी 246. इफ़ अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी तो फिर मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर देगा कि वो प्ली कर रहा है एंड में इन हिज डिस्क्रिशन कॉन्विक्ट हिम, फिर अकॉर्डिंगली वो उसको पनिश करेगा. प्रोसिक्यूशन एविडेंस, इफ़ एन अक्यूज्ड डज नॉट प्लीड गिल्टी, अगर अक्यूज्ड ने प्ली नहीं किया, एंड ही क्लेम्स टू बी ट्राइड और इज़ नॉट कॉन्विक्टेड, एंड इफ इट डिज़ायर्स टू क्रॉस एग्जामाइन प्रोसिक्यूशन विटनेस हुज एविडेंस हैज़ बिन टेकन देन ही इज़ रिकॉल्ड फॉर री एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन. तो फिर हमारा जो अक्यूज्ड है उसको फिर से हम बुलाएंगे फॉर री एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन. डिफेंस एविडेंस, प्रोसिक्यूशन एविडेंस के बाद अक्यूज्ड डिफेंस कर सकता है, ही मे कॉल डिफेंस एविडेंस. कंक्लूजन ऑफ ट्रायल 248 टू 250. अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि अक्यूज्ड गिल्टी नहीं है तो वो रीजंस को रिकॉर्ड करके एक्विटल का ऑर्डर पास कर देगा, और अगर लगता है कि अक्यूज्ड गिल्टी है तो उसको अप्रोप्रिएट पनिशमेंट मिल जाएगा. विल इम्पोज अप्रोप्रिएट सेंटेंस ऑन द अक्यूज्ड, सेंटेंस मीन्स ऑर्डर पनिशमेंट. प्रोसीजर इन केस ऑफ प्रीवियस कॉन्विक्शन, इन केस वेर अ कॉन्विक्शन प्रीवियस कॉन्विक्शन इज चार्ज्ड, the court may take evidence in respect of alleged previous conviction and shall record a finding thereon. It is done for the enhancement of punishment. Section number 249. Compensation for accused 250. अगर magistrate को लगा कि कोई sufficient ground ही नहीं था या sufficient reason ही नहीं था acquisition करने का, तो जिसने भी कंप्लेंट की है वो अवार्ड पे करेगा टू द अक्यूज्ड. तो मैजिस्ट्रेट वो अवार्ड रिकवर करके अक्यूज्ड तक पहुंचाएगा. ही विल अवार्ड कॉम्पेंसेशन टू अक्यूज्ड एंड इट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम कंप्लेनेंट. ट्रायल ऑफ समन केसेस बाय मैजिस्ट्रेट 251 टू 259. क्रिमिनल केसेस को दो पार्ट में डिवाइड किया था, वारंट केसेस विच इज़ वेरी सीरियस एंड समन केसेस विच इज़ लेस सीरियस. अब वारंट केसेस तो हमने देख लिए जहाँ पनिशमेंट क्या होती है, या तो डेथ या तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या मोर देन 2 years. समन केसेस क्या होते हैं, विच आर नॉट वारंट केसेस. नाउ सेक्शन 251 टू 259 लेज डाउन द प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन समन केसेस. सेक्शन नंबर 251 एक्विजिशन टू बी स्टेटेड. जब भी अक्यूज्ड को कोर्ट के सामने लाया गया है तब उस टाइम पे समन केस स्टार्ट होता है. इट बिगिन्स. ऑफेंस से रिलेटेड जो भी पर्टिकुलर्स है वो कोर्ट में सबके सामने रखे जाएंगे एंड देन अक्यूज को पूछा जाएगा वेदर ही प्लीड्स गिल्टी और हैड एनी डिफेंस, कि वो मान्य करता है ये जो भी अपराध है वो उसी ने किया है या वो डिफेंस मांगना चाहता है, मतलब वो डिफेंड करना चाहता है, वो बोलता है कि मैंने नहीं किया. इट इज़ नॉट नेसेसरी टू फ्रेम अ फॉर्मल चार्ज. तो या तो वो मान्य करता है या तो वो नहीं मान्य करता है. केस लॉ स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर वर्सेस कुलदीप सिंह. इस केस में बोला गया था कि इट इज़ नॉट नेसेसरी टू फ्रेम फॉर्मल चार्ज. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेक्शन इज़ टू डिसाइड, पहले डिसाइड करो कि अक्यूज्ड मान्य करता है कि उसी ने ये अपराध किया है या वो डिफेंस के लिए जा रहा है. कॉन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी सेक्शन 252. अगर अक्यूज्ड ने गिल्टी प्ली किया है तो मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेगा प्ली को इन द वर्ड्स ऑफ अक्यूज्ड एंड मे कॉन्विक्ट द अक्यूज्ड देयरऑन. कॉन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी इन पेटी केसेस 253. पेटी केसेस मतलब स्मॉल केसेस जहाँ ₹1000 अमाउंट होता है नॉर्मल एंड पनिशमेंट इज़ ओनली फाइन. तो जहाँ सामन नॉर्मल पेटी केसेस में इशू हुआ है और अक्यूज मान्य करता है तो फिर वो कोर्ट के सामने अपीयर करे बिना भी बाय पोस्ट या थ्रू हिज प्लेट्स फाइन को कोर्ट तक पहुँचा सकता है. ही मे ऑल्सो सेंड अमाउंट टू स्पेसिफाइड समन्स. मैजिस्ट्रेट में कॉन्विक्ट द अक्यूज ऑन सच प्ली एंड एडजस्ट द अमाउंट सेंड बाय द अक्यूज टूवर्ड्स फाइन. प्रोसिक्यूशन एविडेंस 254. अगर अक्यूज्ड गिल्टी प्ली नहीं करता है, मतलब वो नहीं मान्य करता है, तो फिर मैजिस्ट्रेट क्या बोलेगा, प्रोसिक्यूशन के एविडेंस को कंसीडर करेगा. देन द मैजिस्ट्रेट शैल प्रोसीड टू हियर द प्रोसिक्यूशन. सारे एविडेंस को मैजिस्ट्रेट कंसीडर करेगा. अब अगर अक्यूज्ड को कुछ प्रॉब्लम है तो फिर वो डिफेंस एविडेंस सबमिट करता है इन द सपोर्ट ऑफ हिज डिफेंस. फिर एविडेंस कंसीडर करने के बाद अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि अक्यूज ने कुछ गलत किया है तो वो उसके अगेंस्ट कोई पनिशमेंट इम्पोज कर देगा अकॉर्डिंग टू लॉ. और अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि ही इज़ नॉट गिल्टी तो फिर मैजिस्ट्रेट एक ऑर्डर ऑफ एक्विटल पास करेगा विच विल बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग. नॉन अपियरेंस एंड डेथ ऑफ कंप्लेनेंट सेक्शन 256. अब जिसने अक्यूज के अगेंस्ट कंप्लेन की अगर वो प्रेजेंट नहीं होता है या उसकी डेथ हो जाती है, इफ़ कंप्लेनेंट कंप्लेनेंट इज एब्सेंट व्हेन मैजिस्ट्रेट में, तो फिर मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, अक्यूज को छोड़ देगा, एक्विट कर देगा फ्री ऑफ चार्ज, या जो हियरिंग है उसको अर्जन कर देगा, या डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस ऑफ कंप्लेंट एंड प्रोसीड विद द केस, या तो फिर मान लेगा कि ठीक है वो नहीं आया तो अगली हियरिंग में वो आएगा एंड वो केस के साथ प्रोसीड करेगा। Case law Ramkrishna versus Ram Reddy 2008, non appearance of complainant will also apply in case of death of complainant. नॉन अपियरेंस में डेथ को भी इंक्लूड किया गया है। विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट सेक्शन 257। फाइनल ऑर्डर पास करने के पहले इफ मैजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड कि सफिशिएंट ग्राउंड्स है कि जहां कंप्लेंट विड्रॉ की जा सकती है अगेंस्ट द अक्यूज्ड, तो फिर वो विड्रॉल परमिट करेगा, बट फाइनल ऑर्डर आने के पहले ही कंप्लेनेंट उसको विड्रॉ कर सकता है। Circumstances under which complaint is withdrawal, कहाँ कहाँ हम complaint withdraw करना allow करते हैं। Complaint should request, अगर complainant ने खुद से request किया है for withdrawal of case और अभी तक final order नहीं आया है तो he can withdraw the complaint. Magistrate must satisfy that there are sufficient grounds to withdrawal of complaint. अगर magistrate को लगता है कि sufficient grounds है कि complaint withdraw की जा सकती है तो he will allow. फाइनल ऑर्डर मस्ट नॉट हैव बिन पास्ड, और तीसरा कंडीशन है कि फाइनल ऑर्डर पास नहीं होना चाहिए। तीनों कंडीशन एंड है और नहीं है, तो पहले तो कंप्लेनेंट ने खुद से बोलना चाहिए कि मैं विड्रॉ करना चाहता हूँ, फिर मैजिस्ट्रेट ने भी मानना चाहिए कि हाँ सफिशिएंट ग्राउंड्स है, कंप्लेन विड्रॉ कर सकता है कंप्लेनेंट, एंड तब तक फाइनल ऑर्डर पास नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो ही इन दैट केस कंप्लेनेंट कैन विड्रॉ। पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग 258। जहाँ समन केस स्टार्ट हो चुका था अदरवाइज देन अपॉन कंप्लेंट, और मैजिस्ट्रेट अ मैजिस्ट्रेट विद प्रीवियस सैंक्शन ऑफ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में स्टॉप द प्रोसीडिंग, मतलब मैजिस्ट्रेट को अगर कोई प्रोसीडिंग स्टॉप करना है तो पहले उसको एक प्रीवियस सैंक्शन लेना पड़ता है फ्रॉम चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड देन ही कैन स्टॉप द प्रोसीडिंग, या तो वो किसी भी स्टेज पे उस प्रोसीडिंग को ड्रॉप कर सकता है विदाउट प्रोनाउंसमेंट और प्रोनाउंसिंग द जजमेंट। इट इज़ डन ओनली व्हेन, कब हो सकता है ये, व्हेन द मैजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड दैट देयर इज नो प्राइमा फेसिया केस अगेंस्ट द अक्यूज्ड, अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि प्राइमा फेसिया कोई केस ही नहीं बनता है फ्रॉम द फैक्ट, तो फिर वो कहीं भी प्रोसीडिंग को स्टॉप कर सकता है, बट उसको एक प्रीवियस सैंक्शन लेना पड़ेगा फ्रॉम द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। कन्वर्जन ऑफ समन केसेस इनटू वारंट केस। इफ ऑफेंस इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन 6 months, अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जहाँ पनिशमेंट मोर देन 6 months है एंड इट अपीयर्स फॉर दैट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, तो उस ऑफेंस को हम एज अ वारंट केस ट्राई करेंगे, उसका ट्रायल एज अ वारंट केस होगा, तो मैजिस्ट्रेट उस केस में उसको समन केस से वारंट केस में कन्वर्ट कर देगा। अगर अक्यूज्ड 2 केसेस से ट्राइड है या चार्ज्ड है, मतलब वारंट केस भी और समन केस भी, तो फिर हम उसको जॉइंट ट्रायल बोलेंगे। देन द प्रोसीजर डिस्क्राइब्ड फॉर वारंट केस शुड बी फॉलोड, तो इन दैट केस हम वारंट केस वाली प्रोविजंस फॉलो करेंगे क्योंकि दैट इज द मोर सीरियस वन, सीवियर वन। समरी ट्रायल्स। समरी ट्रायल्स मतलब स्पीडी डिस्पोजल ऑफ ट्रायल। समरी केस इज मेंट अ केस विच कैन बी ट्राइड एंड डिस्पोज्ड ऑफ इमीडिएटली, जो केस इमीडिएटली डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है उसको समरी केस बोलते हैं, एंड समरी ट्रायल मतलब जहां स्पीडी डिस्पोजल हो सकता है किसी ट्रायल का। सेक्शन 260 एंड 261 स्पेसिफाई द ऑफेंसेस एंड मैजिस्ट्रेट हु कैन ट्राई सच ऑफेंस समरीली, एंड सेक्शन 262 टू 265 ले डाउन द प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन सच केसेस। तो 260 और 61 केसेस की बात करते हैं जहाँ समरी ट्रायल हो सकता है, और 262 से 265 प्रोसीजर बताते हैं। ऑब्जेक्ट, क्यों समरी ट्रायल करते हैं, टू सेव द टाइम, टू शॉर्टन रिकॉर्ड एंड वर्क ऑफ मैजिस्ट्रेट, टू इफेक्ट स्पीडी डिस्पोजल ऑफ पेटी केसेस, नॉट टू डिप्राइव एनी राइट ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन। हु मे ट्राई समरी केसेस, सेक्शन 260 सबसेक्शन 1। द ट्रायल अंडर समरी केसेस प्रोसीजर कैन बी ट्राइड बाय फॉलोइंग मैजिस्ट्रेट्स, कौन कौन ट्रायल कर सकता है, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास ऑन एम्पावर्ड, जहाँ पावर किसने एम्पावर किए, हाई कोर्ट ने विथ लिमिटेड पावर, ऑन एम्पावरमेंट ऑफ लिमिटेड पावर बाय हाई कोर्ट। तो 4 मजिस्ट्रेट है जो समरी केसेस को ट्राई कर सकते हैं, जिसका ट्रायल कर सकते हैं। ऑफेंस ट्रायबल समरीली सेक्शन 261, कौन से ऑफेंस है जिनको समरी ट्रायल में डिस्पोज किया जा सकता है। ऑफेंस नॉट पनिशेबल विद डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड इम्प्रिजनमेंट ऑफ टर्म नॉट एक्सीडिंग 2 years, मतलब नॉट वेरी सीरियस ऑफेंसेस। जहाँ पे थेफ्ट हुआ है, चोरी हुआ है, ऑफ वेयर द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सीड 2000 रुपीज़, रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी वैल्यूड लेस देन 2000 रुपीज़, असिस्टिंग इन डिस्पोजल और डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यूड लेस देन 2000 रुपीज़, ऑफेंस ऑफ लर्किंग, हाउस ट्रेसपास एंड हाउस ब्रेकिंग, इंसल्ट विथ इंटेंट टू प्रूव ब्रीच ऑफ पीस, abatement of any of foregoing offence, attempt to commit any foregoing offence, any offence constituted by cattle trespass act. Procedure for summary trial. अब समरी ट्रायल के जो प्रोसीजर है वो 2 बेसिस पे होंगे। पहले तो वो जो केस है वो सामन केस है या वारंट केस है। इन केस ऑफ समरी ट्रायल कोर्ट शैल फॉलो प्रोसीजर ऑफ सामन केसेस विच इज एज फॉलोज। या समन केसेस के प्रोसीजर क्यों होंगे? क्योंकि नॉट वेरी सीरियस केसेस ही यहाँ आते हैं। तो पहले तो एक्विजिशन टू बी स्टेटेड टू अक्यूज्ड, अक्यूज्ड को बताना है कि उसके अगेंस्ट क्या क्या एक्विजिशंस है। फिर वो या तो गिल्टी प्ली करेगा या नहीं करेगा। अगर गिल्टी प्ली करता है तो अकॉर्डिंगली मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेगा एंड ही विल कॉन्विक्ट द अक्यूज्ड। और अगर वो गिल्टी प्ली नहीं करता है तो फिर प्रोसिक्यूशन एविडेंस प्रोड्यूस करता है एंड आफ्टर दैट इफ रिक्वायर्ड, अगर अक्यूज्ड के पास कुछ डिफेंस एविडेंस है तो वो डिफेंस एविडेंस इन द सपोर्ट ऑफ हिज डिफेंस मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करता है। एक्विटल और कॉन्विक्शन, अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि अक्यूज्ड गिल्टी नहीं है तो उसको एक्विट करता है, अगर गिल्टी है तो कॉन्विक्ट करता है। नॉन अपियरेंस एंड डेथ ऑफ कंप्लेनेंट, इफ कंप्लेनेंट डज नॉट अपियर बिफोर मैजिस्ट्रेट तो मैजिस्ट्रेट या तो केस को एक्विट कर देगा, या तो उस हियरिंग को एडजर्न कर देगा, या तो उस हियरिंग को प्रोसीड करेगा। विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट, फाइनल ऑर्डर के पहले अगर मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड है कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है तो वो विड्रॉल परमिट करता है। पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग, मैजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो प्रोसीडिंग को स्टॉप कर सकता है किसी भी स्टेट पे, बट पहले प्रीवियस परमिशन लेना पड़ता है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का। पनिशमेंट फॉर समरी केसेस सेक्शन 263, in summary trial no accused person can be sentenced to imprisonment for a period exceeding 3 months. summary में punishment maximum imprisonment of 3 years हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। no person can be sentenced to imprisonment for a period exceeding 3 months. record in summary trials, summary cases में कुछ particulars record करने पड़ते हैं जो magistrate करेगा। serial number of case, डेट ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस, डेट ऑफ रिपोर्ट, नेम ऑफ कंप्लेनेंट, किसने कंप्लेन की, किसके अगेंस्ट हुई ये, उस पर्सन का नाम, उसका एड्रेस, उसने क्या ऑफेंस किया है, उसने गिल्टी प्ली किया था या नहीं, फाइंडिंग्स फ्रॉम द एविडेंस, फिर जो फाइनल ऑर्डर पास किया है, सेंटेंस पास किया है, डेट ऑन प्रोसीडिंग टर्मिनेशन की, जिस दिन प्रोसीडिंग टर्मिनेट हुई। जजमेंट 264, अगर अक्यूज ने गिल्टी प्ली नहीं किया तो मैजिस्ट्रेट उनका जजमेंट रिकॉर्ड करेंगे इन द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट विच शैल कंटेन अ ब्रीफ ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर फाइंडिंग्स। लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्ड एंड जजमेंट, लैंग्वेज रहेगी लैंग्वेज ऑफ कोर्ट एंड दैट शैल बी साइंड बाय द मैजिस्ट्रेट। अपील एंड रिविजन, कोई भी अपील नहीं रहेगा मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर का इन केसेस वेयर फाइन इज़ नॉट एक्सीडिंग 200 रुपीज़। समरी केसेस में जहाँ भी डिसीजन था फाइन और वो फाइन 200 रुपीज़ से कम है, वहाँ पर कोई भी अपील या रिविजन का राइट अक्यूज्ड के पास नहीं है। प्रोविजन एज टू बेल इंट्रोडक्शन, बेल मतलब क्या, टेम्पररी रिलीज ऑफ एन अक्यूज्ड पर्सन, मतलब टेम्पररी बेसिस पे किसी अक्यूज्ड पर्सन को छोड़ देना, दैट इज बेल। बेल हैज़ बीन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम बट CRPC में प्रोविजन ऑफ बेल कवर करते हैं सेक्शन नंबर 436 से 450। This provision envisaged in the code gives the brief regarding the provision of bail. The process of bail takes place while the trial of the accused person is still pending. Generally, a person seeks this opinion in order to get himself released from the police custody. Bail मतलब क्या normally कि police custody से release होने के लिए जब person try करता है, that is bail. Basic rule. India एक democratic country है और यहाँ पे हर पर्सन के अपने इंडिविजुअल राइट है विच इंक्लूड्स पर्सनल लिबर्टी एंड फ्रीडम। आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का राइट देता है हर इंडिविजुअल को कि वो पर्सनल लिबर्टी और फ्रीडम एन्जॉय करेगा। तो अब जो कंसेप्ट ऑफ बेल है वो पैरेलल है, इन हैंड विद दिस पर्सनल लिबर्टी एंड फ्रीडम, and therefore every individual including the accused person has the right to seek bail in order to get himself released from the custody until and unless proven guilty by a court of law। मतलब जब तक उसको guilty prove नहीं किया जाता हर individual के पास right है कि वो bail मांग सकता है as per article 21। ऑब्जेक्ट, अब बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? द बेसिक गोल बिहाइंड अरेस्टिंग एंड डिटेनिंग अ पर्सन बिहाइंड द जेल इज दैट व्हेन द अक्यूज्ड इज रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट ड्यूरिंग द ट्रायल ही मस्ट अपियर इन कोर्ट ऑफ ट्रायल। क्यों किसी को हम जेल में डालते हैं? कि जब भी उसके अगेंस्ट कार्रवाई चलेगी, जब भी कोर्ट के सामने उसका ट्रायल चालू होगा तब उसने कोर्ट के सामने आना चाहिए। ही शुड अपियर बिफोर द कोर्ट। तो बेसिक गोल क्या है कि जेल में रखेंगे तो पुलिस को उसको जेल में रखने के बाद जब भी ट्रायल चलेगा तो कोर्ट के सामने लेके आएगी। अगर पर्सन खुद से ही मान्य करता है कि जब भी उसका ट्रायल चलेगा वो खुद से कोर्ट के सामने आएगा, अगर वो कुछ श्योरिटी देता है, बॉन्ड देता है, तो फिर इन दैट केस उसको बेल मिल जाती है। समटाइम्स व्हेन द बेल इज नॉट ग्रांटेड टू द अक्यूज्ड इट मे कर्टल द लिबर्टी ऑफ द इनोसेंट अक्यूज्ड। कई बार कभी कभी बेल नहीं मिलती तो अब उसके वजह से अक्यूज्ड के जो लिबर्टी है, जो राइट्स है उस पर उसको नहीं मिल पाते, तो वो उधर अलग सिचुएशन हो जाती है। आर्टिकल 21 से कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है। तो नॉर्मली आइडियोलॉजी ये है कि बेल मिल जानी चाहिए, बट कहीं कहीं उसके जो राइट्स है वो कर्टेल किए जाते हैं। इसीलिए ऑफेंसेस को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस, कि कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जहाँ तुम बेल के लिए अप्लाई कर सकते हो एंड यू विल गेट द बेल, और कुछ ऑफेंस ऐसे हैं जहाँ तुमको बेल नहीं मिलती है। बेलेबल ऑफेंस मतलब जहाँ पे अक्यूज को नॉर्मली बेल मिल जाती है। ये थोड़े लेस सीवियर ऑफेंस होते हैं जहाँ पनिशमेंट नॉर्मली लेस देन 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट है। इन केस ऑफ बेलेबल ऑफेंस द चांसेस ऑफ गेटिंग बेल आर मच हायर, मतलब बेल इजीली मिल जाती है। Under Section 2, Subsection A of the Code, the term bailable offence has been described as the offence. Bailable offence has been described as the offence which has been specified in the first schedule of the Code, or is the offence considered to be bailable by the law in force during the time. Non-bailable offence, जहाँ easily bail नहीं मिलती, means non-bailable offence are those offence which are non-bailable in nature and are shown as non-bailable under the first schedule of the code. These offences are grievous in nature, मतलब serious nature के है, जहाँ पे punishment of imprisonment 3 years या उससे ज़्यादा है। So अब हमको difference समझ गया bailable offence, non-bailable offence में। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि bail related provisions क्या है। तो हमको देखना है अभी provisions as to bail and bond. So we will cover section number 436 to 450. Let's start. Section 436 बात करता है उन बेलेबल ऑफेंस की जहाँ बेल मिल सकती है, मतलब 436 बेलेबल ऑफेंस में बेल कैसे मिलेगी उसकी बात करता है। तो जहाँ भी पर्सन को विदाउट वारंट किसी पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट किया है अंडर बेलेबल ऑफेंस, तो इन दैट केस कोर्ट शैल रिलीज हिम ऑन बेल। शैल मतलब ये एक मैंडेटरी प्रोविजन है कि अगर किसी पुलिस ऑफिसर ने विदाउट वारंट किसी पर्सन को अरेस्ट किया है फॉर अ बेलेबल ऑफेंस तो कोर्ट उसको बेल दे देगा। बट यहाँ पे क्या होता है, श्योरिटी प्रोवाइड करना पड़ता है। अब कोई इंडिजेंट पर्सन है, मतलब कोई गरीब इंसान है जो 1 हफ्ते तक बेल नहीं ले पा रहा है, तो इन दैट केस या बेल नहीं दे पा रहे तो फिर बिना श्योरिटी के उसको कोर्ट रिलीज कर देगा, क्योंकि बेल एक बेसिक राइट है, बेसिक ह्यूमन राइट है, क्योंकि हमने आर्टिकल 21 में देखा है फ्रीडम ऑफ लिबर्टी। सो वो देखते हैं तो हर इंसान को जिसने कोई बेलेबल ऑफेंस किया है उसको बेल इजीली मिल जाती है। बट अब कभी समझो फॉर एग्जांपल ऐसे हो गया कि जानबूझ के बेल का अमाउंट हाई रखा, अगर तुम मतलब कोई अथॉरिटी नहीं चाहता था कि किसी इंसान को बेल मिले तो बेल का अमाउंट जान के बढ़ा के रख लिया, तो इन दैट केस सुप्रीम कोर्ट का एक फेमस केस लॉ है संदीप जैन वर्सेस एनसीडी दिल्ली। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि बेल का अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो वो अमाउंट को रीजनेबल रखना चाहिए। राइट ऑफ अक्यूज्ड का राइट है उसको बेल मिले, तो ऐसे तुम बेल का अमाउंट बढ़ा के उसका बेल नहीं अटका सकते हो। सेक्शन 437 बात करता है व्हेन बेल में बी टेकन इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस। नॉन बेलेबल ऑफेंस एक सीरियस ऑफेंस है, वहाँ कोई बेल का राइट नहीं होता है, बट कोर्ट के डिस्क्रिशन पे कोर्ट लॉ के प्रोविजंस को देखेगा और अगर कोर्ट को ठीक लगता है कोर्ट एट इट्स ओन डिस्क्रिशन आफ्टर कंसिडरिंग द लॉ कैन प्रोवाइड बेल इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो अगर सर्कमस्टेंसेस परमिट करते हैं तो कोर्ट क्या करेगा, किसी भी पर्सन को बेल पर रिलीज कर देगा। बट यहाँ कुछ एक्सेप्शंस है। अगर कोई पर्सन है जिसका जो पनिशमेंट है वो काफ़ी सीवियर है, मतलब इफ़ ही इज़ पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ या सेंटेंस्ड टू डेथ या इम्प्रिजनमेंट ऑफ 7 years और मोर और 3 to 7 years, इन दैट केस वो पर्सन को बेल नहीं मिलती। बट फिर उसका भी एक एक्सेप्शन है कि अगर वो पर्सन इज़ अ माइनर ऑफ अ एज लेस देन 16 years या वो कोई वुमेन है, सिख है, ओल्ड है, तो फिर बेल मिल जाती है। बट नॉर्मली बेसिक प्रोविज़न क्या है कि कोर्ट बेल दे सकता है, कोर्ट में रिलीज, कोर्ट का डिस्क्रिशन है या में है, डिस्क्रिशन है। अगर कोर्ट को सही लगता है तभी कोर्ट रिलीज करेगा आफ्टर कंसिडरिंग द लॉ। अब अगर कोर्ट को लगता है कि ये बेलेबल ऑफेंस है एंड इट इज़ नॉट नॉन बेलेबल ऑफेंस, तो फिर तो कोर्ट क्या बोलेगा, एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करो एंड वी रिलीज यू ऑन बेल। बट इसमें कोर्ट पहले इंश्योर करेगा नॉन बेलेबल ऑफेंस में कि जो पर्सन को हम बेल दे रहे आगे जाके वो फिर से वही ऑफेंस ना करे या वो भाग ना जाए, एब्सकॉन्ड ना हो जाए या वो किसी को धमकाए नहीं, डराए नहीं, एविडेंस ख़त्म करने की कोशिश करे, तो फिर उस केस में कोर्ट उस पर्सन को बेल नहीं देगा। आफ्टर कंसिडरिंग ऑल दिस पॉइंट्स एंड कंडीशंस देन ओनली कोर्ट कैन गिव द बेल इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस। उसके बाद हम देखेंगे एंटिसिपेटरी बेल। एंटिसिपेटरी बेल मतलब प्री अरेस्ट बेल, मतलब तुमको पता है, किसी पर्सन को पता है कि उसका अरेस्ट होने वाला है एंड पहले ही उसने बोल देना कि अगर मेरे को सो एंड सो चीज़ के लिए अरेस्ट करने वाले हैं तो आई वांट द बेल। केसेस वेयर पर्सन कैन अप्लाई फॉर बेल बिफोर अरेस्ट, मतलब अरेस्ट होने के पहले ही अगर पर्सन ने बेल के लिए अप्लाई कर दिया, दैट इज़ एंटिसिपेटरी बेल। If a person thinks he may be arrested on non-bailable offense, तो in that case he can apply to High Court or Court of Session for anticipatory bail. अब वो जो application है वो या तो accept होगा या तो reject होगा। अब अगर application accept हो जाता है तो उसको anticipatory bail मिल गई, और अगर application reject होता है तो फिर जब भी वो complaint आएगी तब उसको arrest किया जाएगा। But अब ये application consider करना है या reject करना है, एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, उसके लिए कुछ कंडीशंस को कंसीडर किया जाता है कि उस पर्सन का बिहेवियर कैसा है, क्या चांसेस है कि फिर से वो सेम ऑफेंस करेगा, क्या चांसेस है वो इंडिया से भाग जाएगा, क्या चांसेस है कि वो किसी को डराएगा, धमकाएगा। ये सब पॉइंट कंसीडर करके ही वो एप्लीकेशन को या तो एक्सेप्ट किया जाता है या तो रिजेक्ट किया जाता है। सेक्शन 439 टॉक्स अबाउट स्पेशल पावर ऑफ हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन रिगार्डिंग बेल। क्या स्पेशल पावर है कि या तो वो बेल ग्रांट कर सकते हैं या तो वो कैंसिल कर सकते हैं, तो ये स्पेशल पावर हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन के पास है। अमाउंट ऑफ बॉन्ड एंड रिडक्शन देयर ऑफ, सेक्शन 440। अमाउंट ऑफ बॉन्ड कैसे फिक्स होंगी, इट विल डिफर एज पर द सर्कमस्टांसेस ऑफ केस। तो जो केस है उसके सर्कमस्टांसेस देखने के बाद ही अमाउंट ऑफ बॉन्ड फिक्स होती है और वो बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती, इट कैनॉट बी एक्सेसिव। हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कर सकता है किसी भी पुलिस ऑफिसर को या मैजिस्ट्रेट को कि तुमने जो बेल फिक्स की, जो बॉन्ड का अमाउंट फिक्स किया है वो बहुत ज़्यादा है तो उसको कम करो। सो ये पावर भी हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के पास है। बॉन्ड ऑफ अक्यूज्ड एंड श्योरिटीज, सेक्शन 441। किसी भी पर्सन को बेल पे रिलीज़ करने के पहले उसने बॉन्ड एग्जीक्यूट करना चाहिए। अगर कोई कंडीशन डाल के उस पर्सन को रिलीज़ किया जा रहा है, मतलब उस पर कुछ कंडीशंस डाली जा रही है कि सो एंड सो डेट पे उसको कोर्ट के सामने आना है एंड कुछ लिमिटेशंस डाले हैं, तो इन दैट केस जो बॉन्ड रहेगा उस पर वो सारी कंडीशंस मेंशन करना ज़रूरी है। जो भी बॉन्ड है जिस भी पर्सन पे, दैट बॉन्ड शैल बाइंड दैट पर्सन टू अपियर बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट और एनी अदर कोर्ट ऑन अ पर्टिकुलर डेट। डिस्चार्ज फ्रॉम कस्टडी, एज सुन एज द बॉन्ड इज एग्जीक्यूटेड, और वो पर्सन अगर जेल में है तो जैसे ही वो बॉन्ड का रिसीट कोर्ट तक पहुंचता है तो कोर्ट क्या करेगा, डिस्चार्ज का ऑर्डर पास करेगा एंड देन उस पर्सन को कस्टडी से डिस्चार्ज मिल जाता है. पावर टू ऑर्डर सफिशिएंट बेल व्हेन दैट वाज टेकन इज इनएफिशिएंट. सेक्शन 444 डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटीज. सेक्शन 445 टॉक्स अबाउट डिपॉजिट इंस्टेड ऑफ रिकॉग्निजेंस एंड 446 टॉक्स अबाउट प्रोसीजर व्हेन द बॉन्ड हैज़ बीन फॉरफिटेड. मतलब जहाँ बॉन्ड एग्जीक्यूट करने बोला था टू द अक्यूज्ड, ही हैड एग्जीक्यूटेड द बॉन्ड बट वो बॉन्ड आगे जाके फोरफिट हो गया. तो अब कोर्ट क्या करेगा, उस पर्सन को बोलेगा कि कोर्ट में कॉल अपॉन द पर्सन. कोर्ट उस पर्सन को बुलाएगा जिस पर्सन का काम था वो बॉन्ड देना, और अब वो उसको क्या बोलेगा, पे द पेनाल्टी. तो कोर्ट अब उसको मजबूर करेगा पेनाल्टी पे करने के लिए, या अगर वो पेनाल्टी नहीं पे करना चाहता तो उसको एक शो कॉज देना पड़ेगा कि वाई पेनाल्टी इज़ नॉट टू बी पेड, वाई नो पेनाल्टी. मतलब या तो रीज़न दो कि तुम्हारे ऊपर हम पेनाल्टी क्यों नहीं लगाए, या अदरवाइज तुम पेनाल्टी पे करो क्योंकि तुम्हारा बॉन्ड फोरफिट हुआ है. प्रोसीजर इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी और डेथ ऑफ श्योरिटी और व्हेन द बॉन्ड इज़ फोरफिटेड. अब जिस भी पर्सन की ड्यूटी थी या जो भी पर्सन बाउंड था टू प्रोड्यूस द बॉन्ड, अब वहाँ पे उस पर्सन की, वो पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया या उसकी डेथ हो गई, तो कोर्ट क्या करेगा, जो भी पर्सन की वो लाइबिलिटी है या ड्यूटी है उसको बोलेगा कि फ्रेश सिक्योरिटी दो. अगर फ्रेश सिक्योरिटी भी नहीं दी गई तो कोर्ट उसके अगेंस्ट प्रोसीड करेगा. किस तरीके से करेगा, जैसे कि उसने ओरिजिनल ऑर्डर में डिफ़ॉल्ट किया है, दैट ही हैज़ डिफ़ॉल्टेड इन कंप्लाइंग द फर्स्ट ऑर्डर, तो ये सोच के कोर्ट उसके अगेंस्ट प्रोसीड करेगा. बॉन्ड रिक्वायर्ड फ्रॉम माइनर, सेक्शन 448. ऑफिसर में एक्सेप्ट अ बॉन्ड एग्जीक्यूटेड बाय श्योरिटी और श्योरिटीज ओनली. माइनर के केस में बॉन्ड कौन एग्जीक्यूट करता है, श्योरिटी और श्योरिटीज, माइनर नहीं करता है. अपील फ्रॉम ऑर्डर्स अंडर सेक्शन 446. 446 में जहाँ बॉन्ड फॉरफिट होता है और पेनाल्टी लगती है, उसका अपील अगर ऑर्डर मैजिस्ट्रेट ने पास किया है तो सेशन जज के पास अपील कर सकते हैं, या अगर कोर्ट ऑफ सेशन ने ऑर्डर पास किया है तो जो हायर कोर्ट है जहां नॉर्मली कोर्ट ऑफ सेशन के अपील्स जाते हैं वहां उस कोर्ट में जाके ऑर्डर पास करवाते हैं. पावर ऑफ हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन टू डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट टू लेवी ऑफ द अमाउंट ड्यू टू सर्टन रिकॉग्निशन. सेक्शन 450. हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन के पास पावर है कि वो मैजिस्ट्रेट को बोलेंगे कि कितना अमाउंट लेवी करना है. दैट वाज सेक्शन 450. लास्ट टॉपिक ऑफ दिस मॉड्यूल, सबमिशन ऑफ डेथ सेंटेंस फॉर कंफर्मेशन. सेक्शन 366 सेंटेंस ऑफ डेथ सबमिटेड बाय कोर्ट ऑफ सेशन फॉर कंफर्मेशन. जहां कोर्ट ऑफ सेशन ने पनिशमेंट के तौर पे डेथ सेंटेंस किया है तो फिर जो जजमेंट है वो हमेशा हाई कोर्ट की परमिशन से ही पास होता है. मतलब व्हेन द कोर्ट ऑफ सेशन पासेस अ सेंटेंस ऑफ डेथ द जजमेंट शैल बी सबमिटेड टू द हाई कोर्ट. जहाँ पनिशमेंट है डेथ, सेंटेंस टू डेथ, तो फिर उस केस में पहले वो जजमेंट को हाई कोर्ट के पास सबमिट किया जाएगा. बिना हाई कोर्ट को सबमिट करे या बिना हाई कोर्ट के कंफर्मेशन के ऐसा पनिशमेंट या ऐसा जजमेंट पास नहीं किया जाता. द कोर्ट पासिंग द सेंटेंस शैल कमिट द कॉन्विक्टेड पर्सन टू जेल कस्टडी अंडर अ वारंट. तब तक उसको जेल में रखा जाएगा. पावर टू डायरेक्ट फर्दर इंक्वायरी मेड और एडिशनल एविडेंस टेकन. सेक्शन 367. अब हाई कोर्ट के पास पावर है कि अगर वो चाहे, अभी हाई कोर्ट श्योर नहीं है कि वो पनिशमेंट सही है या नहीं, तो हाई कोर्ट क्या करेगा, बोलेगा कि फर्दर इंक्वायरी करो या और एडिशनल एविडेंस प्रोड्यूस करो. इफ़ इट अपीयर्स टू द कोर्ट एनी पॉइंट बियर्स गिल्ट और इनोसेंस ऑफ द पर्सन सो कॉन्विक्टेड अनलेस द हाई कोर्ट डायरेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ द कॉन्विक्टेड पर्सन में डिस्पेंस्ड विथ व्हेन सच इंक्वायरी मेड और सच एविडेंस टेकन. व्हेन द इंक्वायरी और एविडेंस इफ एनी नॉट मेड और टेकन बाय द हाई कोर्ट, अगर एविडेंस, एडिशनल एविडेंस या फर्दर इंक्वायरी हाई कोर्ट ने नहीं लिया तो जो भी द रिजल्ट ऑफ इंक्वायरी और एविडेंस शैल सर्टिफाइड टू सच कोर्ट. पावर ऑफ हाई कोर्ट टू कन्फर्म सेंटेंस और एनुअल कॉन्विक्शन. सेक्शन 368. इफ एनी केस, इन एनी केस सबमिटेड अंडर सेक्शन 366. 366 का कोई केस, मतलब जहां पनिशमेंट तुमने डेथ डिसाइड की है, ऐसा कोई केस है और वो हाई कोर्ट के पास गया, द हाई कोर्ट में कन्फर्म द सेंटेंस. द हाई कोर्ट क्या करेगा, कंफर्म कर देगा या तो और कैन ऑल्सो पास एनी अदर सेंटेंस वारंटेड बाय लॉ, कोई और पनिशमेंट भी दे सकता है, या तो डिक्लेयर करेगा कि जो कॉन्विक्शन है वो इनवैलिड है, and convict the accused of any offense of which the court of session might have convicted him. या तो फिर वो न्यू ट्रायल ऑर्डर करेगा ऑन द सेम पर्सन और एन अमेंडेड चार्ज, या तो उस पर्सन को एक्विट कर देगा फ्री ऑफ चार्ज, प्रोवाइडेड दैट नो ऑर्डर ऑफ कन्फर्मेशन shall be made until the period allowed for submitting an appeal has expired, or if an appeal submitted within such period until disposal of appeal. Confirmation or new sentence to signed by two judges. Every case so submitted for the confirmation of the sentence from High Court. जहाँ भी जजमेंट को कन्फर्मेशन के लिए हाई कोर्ट के पास भेजा गया है तो उस कन्फर्मेशन को दो जज साइन करेंगे. It will be signed by two judges of High Court. If new order or judgment passed by the High Court, अगर High Court ने कोई new order या judgment pass किया है, then the judgment or order should be passed by two judges. तो फिर दो judge मिलके उस order को pass करते हैं. Procedure in case of difference of opinion, section 370. Any case heard by a bench of judges, such judges equally divide the opinion. The case so heard shall be decided in manner provided in section 392. डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन कब होते हैं? जब जजेस इक्वली डिवाइड होते हैं. तो फिर उस केस में हम लोग सेक्शन 392 देखेंगे. प्रोसीजर इन केसेस सबमिटेड टू हाई कोर्ट फॉर कन्फर्मेशन 371. जो भी केस कोर्ट ऑफ सेशन हाई कोर्ट को सबमिट करता है फॉर द कन्फर्मेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ, तो जो प्रॉपर ऑफिसर है हाई कोर्ट में वो क्या करेगा? विदाउट डिले आफ्टर द ऑर्डर ऑफ कन्फर्मेशन और अदर ऑर्डर हैज़ बिन मेड बाय द हाई कोर्ट. जो भी ऑर्डर हाई कोर्ट ने पास किया है, ऑर्डर ऑफ कन्फर्मेशन मतलब अग्री कर दिया है टू द सेंटेंस ऑफ डेथ, या कोई दूसरा ऑर्डर पास किया है, तो वो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा? उसका कॉपी अंडर द सील ऑफ हाई कोर्ट विच इज़ साइंड बाय टू जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड अटेस्टेड विथ हिज ऑफिशियल सिग्नेचर, ही विल सेंड इट टू द कोर्ट ऑफ सेशन. मतलब प्रॉपर ऑफिसर का काम है कि वो एक कॉपी कोर्ट को सबमिट कर देगा. सो दिस वाज अबाउट सबमिशन ऑफ डेथ सेंटेंस फॉर कॉन्फर्मेशन. कोर्ट ऑफ सेशन जब भी डेथ सेंटेंस पास करता है तो हाई कोर्ट का कॉन्फर्मेशन लेना ज़रूरी है. हाई कोर्ट अगर चाहे तो एडिशनल एविडेंस मांगेगा या फर्दर इंक्वायरी बोलेगा, और अगर नहीं बोलता है तो फिर वो ऑर्डर कन्फर्म करेगा या सेंटेंस वारंट करेगा, या उस पर्सन को एक्विट कर सकता है, या तो कोई न्यू ट्रायल का ऑर्डर पास कर सकता है, या उसके अगेंस्ट कॉन्विक्शन डिक्लेयर कर सकता है, या उसके अगेंस्ट जो कॉन्विक्शन हुआ है उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर सकता है. हाई कोर्ट कॉन्फर्मेशन जब साइन करता है तो दो जजेस मिलके उसको साइन करते हैं, या अगर कोई न्यू ऑर्डर है तो दो जजेस मिलके उसको पास करते हैं. एंड बाद में जो भी हाई कोर्ट का कॉन्फर्मेशन है या अगर कोई दूसरा भी ऑर्डर है तो कोई प्रॉपर ऑफिसर वो ऑर्डर का कॉपी कोर्ट ऑफ सेशन तक पहुँचा देता है इमीडिएटली विदाउट एनी डीले. सो हियर वी कंप्लीट आवर मॉड्यूल नंबर 7. I hope you understood. We will once again go through the synopsis. इसमें हमने important 6 parts देखे थे. पहले तो trial देखा, trial का meaning देखा, उसके बाद kinds of trial, उसमें हमने 4 types देखे थे. फिर वो चारों भी important है. Trial before the court of session, warrant trial था. उसके बाद warrant cases by magistrate, trials of summons cases by magistrate, summary trials, provision as to bail, submission of death sentence for confirmation. So these were the 6 important areas. इस पे से किसी में भी एक question आएगा, पक्का आएगा. जहाँ पे भी question आता है पहले तो meaning लिखना, court of session क्या है, या warrant case क्या है, summon case क्या है, और उनके सामने जब trial होता है तो procedure लिखना पूरा कैसे होता है, कि plea guilty है या वो नहीं मान रहा है, फिर prosecution के evidence, डिफेंस एविडेंस, फिर उसके बेसिस पे मैजिस्ट्रेट को क्या लगता है, कोर्ट ऑफ सेशन को क्या लगता है, जजमेंट कैसे पास होता है, एंड सो ऑन. समरी ट्रायल क्या है एंड देन पूरा उसका प्रोसीजर लिखना. बेल है तो उसके सारे प्रोविजंस लिखना, इंपॉर्टेंट सेक्शन लिखना, बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस, सबमिशन ऑफ डेथ सेंटेंस फॉर कॉन्फर्मेशन, तो हाई कोर्ट 2 सिग्नेचर्स एंड देन प्रॉपर ऑफिसर उसका कॉपी सबमिट करता है. ऐसे पूरा प्रोसीजर तुमको एग्जाम में लिखना है. सो आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.